हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू नागेश करज की ऑर्किड स्कूल। मैं आपकी हिंदी टीचर नावी शेख, कक्षा 3 में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, लास्ट पीरियड में हमने अध्ययन किया था पाठ क्रमांक 18 ईद। इस पाठ में हमने क्या देखा था, ईद ये मुसलमानों का त्यौहार है। इस ईद के लिए सभी लोग मिलजुल कर ये ईद मनाते हैं। इस ईद में सभी लोग नए वस्त्र खरीदते हैं, जूते खरीदते हैं और बर्तन खरीदते हैं और ये ईद मनाते हैं। इस ईद में ये जो ईद है ये 30 दिन के रोज़े रखे जाते हैं और जब प्रथम चांद दिखाई देता है तभी रमज़ान ईद मनाई जाती है। इस ईद को ईद उल फितर भी कहा जाता है और मीठी ईद भी कहा जाता है। तो इस ईद में बच्चों से लेके बूढ़े तक सभी प्रकार की खरीदारी करते हैं और हंसी खुशी ये ईद मनाते हैं। ये ईद जो है हमें कौन सा संदेश देती है, एकता का संदेश देती है, भाईचारे का देती है, समानता का देती है और राष्ट्रीय एकात्मता इस ईद से हमें दिखाई देती है। तो बच्चों देखो, हम लोग और एक बार इस पाठ का देखो। बच्चों, लास्ट पीरियड में हमने देखा था ईद किस तरह से मनाई जाती है। इस तरह से 30 दिन के रोजे रखे जाते हैं, अलग अलग तरीके की मिठाइयाँ पकवान बनाए जाते हैं और ये जो उपवास रखे जाते हैं 30 दिन के, जो सूर्योदय से शुरू होता है और वो सूर्यास्त को खत्म होता है। सूर्यास्त को खत्म होने के बाद खजूर और पानी पीकर ये रोजा समाप्त करते हैं और उसके बाद ये जो मिठाई है इसका सेवन किया जाता है। और उसके बाद जब इस तरह का चांद यानी प्रथम चांद जब दिखाई देता है, अर्ध गोलाकार इस तरह से ये चांद दिखाई दे रहा है ना आपको, तो ये चांद जब ऐसे दिखाई देता है तभी उसके बाद रमजान ईद मनाई जाती है। उसे ईद उल फितर भी कहते हैं और मीठी ईद भी कहा जाता है। ईदगाह पर देखो, यहाँ पर ये जो दिख रहा है ये क्या है, ईदगाह है। यहाँ पर सिर्फ जेंट्स लोग जाते हैं और वो ये इस तरह से नमाज पढ़ते हैं और जो लेडीज होते हैं, गर्ल्स होते हैं, वो घर पे रहकर नमाज अदा करते हैं और इस नमाज में खुदा का शुक्रिया अदा किया जाता है। खुदा से शुक्रिया अदा किया जाता है कि हमें ये रमजान माह इस तरह से हमने किया, ठीक है। तो नहीं देखो बच्चों, ईद मुसलमान लोगों का पवित्र ऐसा त्योहार है। यह रमजान महीने में मनाया जाता है। रमजान में 30 रोजे रखे जाते हैं। सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक कुछ खाया पिया नहीं जाता, यानी कुछ भी नहीं खाते और रमजान माह की समाप्ति पर ईद का चांद देखकर रोजा समाप्त किया जाता है। रोजा होने के बाद जब ये प्रथम चांद दिखाई देता है तो लोग, यह मुसलमान लोग बड़ा प्यारा चांद इसे बोलते हैं, क्योंकि ऐसी कहावत है कि ये चांद को देखकर जो भी ख्वाहिश हम बोलेंगे वो पूरी हो जाएगी। तो इसलिए ये जो ईद का पहला प्रथम चांद होता है इसे मुस्लिम लोग बहुत ज़्यादा मानते हैं। ईद का चांद दिखाई देने पर दूसरे दिन प्रातःकाल लोग उठते हैं, स्नान करते हैं और मस्जिदों में जाकर नमाज पढ़ते हैं। सब एक साथ मिलजुल कर अल्लाह यानी ईश्वर का धन्यवाद देते हैं, उन्हें जीवन दिया, रोजे रखने की शक्ति दी, इसलिए वो अल्लाह से शुक्रिया अदा करते हैं। बाद में वो आपस में गले मिलकर ईद की बधाइयाँ देते हैं, मुबारकबाद देते हैं। उसी दिन ईद मुबारक का मेला लगा होता है। उस मेले में जाकर बच्चे गुब्बारे खरीदते हैं, झूले खेलते हैं और खुशियाँ बांटते हैं। इस दिन बहुत सारी चहल पहल रहती है। घरों में अलग अलग प्रकार के पकवान बनाए जाते हैं जिसमें कि सेवियों की मीठी सी खीर बनाई जाती है, इसलिए इस ईद को मीठी ईद भी कहा जाता है। सब लोग आनंद और उल्लास के साथ मिलजुल कर सेवियाँ खाते हैं और ये सिर्फ खुद तक सीमित नहीं होता, ये आजू बाजू अड़ोस पड़ोस के लोगों को, अपने प्रियजनों को बुलाकर, दोस्तों को बुलाकर उनको भी ये सेवियों की खीर देते हैं। इस ईद से खुशी, सादगी, समानता, भाईचारा एवं आपसी प्यार का ये त्यौहार है। इस दिन सभी प्रकार के भेदभाव भुलाकर मिलजुल कर ये त्यौहार मनाते हैं। तो इस त्यौहार से हमें क्या दिखाई देता है, एकता दिखाई देती है, ठीक है। तो बच्चों, इसके आगे हम लोग स्वाध्याय सॉल्व करेंगे।
स्वाध्याय पेज नंबर 109 बहुविकल्पीय प्रश्न। सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। क क्या है? ईद किसका त्योहार है? किसका त्योहार है? हिंदुओं का, मुसलमानों का, ईसाइयों का, सिखों का? किसका है? मुसलमानों का। बराबर, ईद मुसलमानों का त्योहार है। ईद के दिन असली मजा किसका होता है? रसगुल्लों का, नमकीन का, हलवे का, सेवियों का? तो बच्चों, ईद के दिन क्या बनाया जाता है? आपको मैंने बताया था, क्या बनाया जाता है? सेवियों की खीर। तो यहाँ पर टिक मार करना है। नेक्स्ट क्या है? रोजे कितने दिन के रखे जाते हैं? 25, 20, 30। पूरे माह के रोजे होते हैं, तो एक माह में कितने दिन होते हैं? 30 दिन होते हैं। तो आंसर क्या आएगा? रमजान रोजे कितने दिन के रखे जाते हैं? कितने दिन के रखे जाते हैं? 30 दिन के। तो इस तरह से यहाँ पर टिक मार्क आएगा। ग, कौन सी वाली रात को बाजार देर तक खुले रहते हैं? बादल, चांद, बरसात, तूफान? क्या आएगा आंसर यहाँ पर बताओ? चांद रात। बराबर है, तो यहाँ पर ये टिक मार्क आएगा। ठीक है, और एक बार दोहराऊंगी, ईद किसका त्योहार है? ईद मुसलमानों का त्योहार है। ईद के दिन असली मजा किसका होता है? सेवियों का। रोजे कितने दिन के रखे जाते हैं? 30। कौन सी वाली रात को बाजार देर तक खुले रहते हैं? कौन से दिन? चांद रात के दिन, है ना? जिस दिन चांद दिखाई देता है उस दिन बाजार होता है। लिखा सभी ने? नेक्स्ट देखो क्या है। पाठ की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखो बच्चों, लास्ट पीरियड में मैंने आपको बताया था कि पाठ का वाचन करना है। अगर आपने पाठ का वाचन अच्छे से किया होगा तो आपको इसके आंसर आ जाएंगे। ये जो है ऑब्जेक्ट, ये कई में होगा? पाठ में ही होगा। तो देखो, ईद के दिन अल्लाह का दरवेश देते हैं, तो क्या आएगा यहाँ पर आंसर बताओ? ईद के दिन अल्लाह का दरवेश देते हैं। क्या देते हैं? धन्यवाद। ईद के दिन अल्लाह का धन्यवाद देते हैं। लोग नए वस्त्र पहनकर डैश और डैश पर नमाज पढ़ने जाते हैं। कहाँ पर जाते हैं? मैंने बताया था आपको, बताओ ईद के दिन नमाज कहाँ पढ़ी जाती है? मस्जिदों और ईदगाह पर। तो लिखो, मस्जिदों और ईदगाह। लिखा सभी ने? लोग नए वस्त्र पहनकर मस्जिदों और ईदगाह पर नमाज पढ़ने जाते हैं। रमजान के महीने में 30 दिन के क्या रखते हैं? उपवास रखते हैं या रोजे रखते हैं? रोजे। बराबर है। मुस्लिम लोग उपवास को रोजे बोलते हैं, है ना? ठीक है। नेक्स्ट देखो, ईद डैश संप्रदाय का प्रमुख त्योहार है। कौन सा संप्रदाय है? ईद डैश संप्रदाय का मुख्य त्योहार है। क्या होगा यहाँ पर? मुसलमान। लिखा सभी ने? देखो और एक बार दोहराऊंगी मैं। क, ईद के दिन अल्लाह का धन्यवाद देते हैं।
लोग नए वस्त्र पहनकर मस्जिदों और ईदगाह पर नमाज पढ़ने जाते हैं। रमज़ान के महीने में 30 दिन के रोज़े रखे जाते हैं। ईद मुसलमान संप्रदाय का प्रमुख त्यौहार है। ठीक है, लिखा बच्चों सभी ने, किया सभी ने। निम्नलिखित नीचे पाठबोध के प्रश्न, भाषा बोध के प्रश्न है। भाषा बोध क्वेश्चन नंबर 4, नीचे दिए शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए, जैसे कि सूर्योदय, गुब्बारे, पकवान और उपहार। तो बच्चों देखो, सूर्योदय के बारे में लिखो, सेंटेंस बनाना है। सूर्योदय से पहले लिखा सभी ने, सूर्योदय से पहले स्नान करना फायदेमंद होता है। सभी ने। नेक्स्ट देखो, गुब्बारे। रमेश ने गुब्बारे खरीदे। लिखो, रमेश ने गुब्बारे रमेश ने गुब्बारे खरीदे नेक्स्ट क्या है? पकवान। माँ तरह तरह के पकवान बनाती है। ना बच्चों, आपकी मम्मी क्या क्या बनाती है? माँ तरह तरह के पकवान बनाती है। नेक्स्ट क्या है? उपहार। पापा मेरे लिए उपहार लाते हैं ना। मम्मी पापा आपके लिए उपहार लाते हैं। कब लाते हैं? जब आपका बर्थडे होता है या आपको कोई गिफ्ट पापा मेरे लिए उपहार लाए। देखो बच्चों, सूर्योदय से पहले स्नान करना फायदेमंद होता है। रमेश ने गुब्बारे खरीदे। पकवान, माँ तरह तरह के पकवान बनाती है। उपहार, पापा मेरे लिए उपहार लाए। लिखा सभी ने?
नेक्स्ट पेज ओपन करो। निम्नलिखित तो बच्चों सिक्स क्वेश्चन नीचे दिए गए शब्दों में से एकवचन तथा बहुवचन शब्दों को छांटकर लिखिए। तो हमने ग्रामर में देखा था एकवचन बहुवचन किस तरह से करना है। तो देखो यहाँ पर क्या दिया है, जिस शब्द से एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे एकवचन कहते हैं, तथा जिस शब्द से एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उन्हें बहुवचन कहते हैं। यानी अगर एक वस्तु एक व्यक्ति हो तो उसे हम क्या कहेंगे, एकवचन, और एक से अधिक होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, उस व्यक्ति और वस्तु को बहुवचन। ठीक है, तो उसी तरह देखो यहाँ पर कुछ दिए हुए हैं शब्द, वो हमें चुनकर लिखना है कि वो बहुवचन है या एकवचन है। तो देखो महीने, खुदा, मिठाइयाँ, झूले, पर्व, टोपी, चांद, बर्तन, त्योहार, मित्रों, दुखियों, घर। तो अभी एकवचन और बहुवचन उसमें से चुनकर हमें लिखना है। तो यहाँ पर क्या दिया है, महीने, महीने कहाँ पर आएगा बताओ बच्चों, महीने बहुवचन में आएगा। तो यहाँ पर नीचे लिखेंगे हम लोग महीने। ठीक है, उसके बाद क्या है, खुदा, खुदा कहाँ पर आएगा, एकवचन आएगा बहुवचन, ये है एकवचन, तो खुदा यहाँ पर आएगा ऊपर खुदा। अभी उसके बाद देखो मिठाइयाँ, मिठाइयाँ कहाँ पर आएगा, एकवचन या बहुवचन, बहुवचन, तो यहाँ पर नीचे लिखेंगे मिठाइयाँ। ठीक है, उसके बाद है झूले, झूले कहाँ पर आएगा, बहुवचन में, झूला अगर होता तो वो एकवचन में आता, लेकिन ये है झूले तो ये बहुवचन। उसके बाद है पर्व, पर्व कहाँ पर आएगा, एकवचन में आएगा, तो यहाँ पर ऊपर लिखेंगे हम लोग पर्व। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, टोपी, टोपी कहाँ पर आएगा, सिंगल है ना वो टोपी, टोपी अगर होता तो बहुवचन में आता, टोपी है तो कहाँ पर आएगा, एकवचन, टोपी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, चांद, चांद कहाँ पर आएगा बताओ, एकवचन या बहुवचन, चांद एकवचन में आएगा, यहाँ पर लिखेंगे हम चांद एकवचन में, चांद। ठीक है, उसके बाद क्या है, बर्तन, बर्तन भी सिंगल है तो बर्तन कहाँ पर आएगा, बर्तन आएगा एकवचन में, बर्तन। लिखा सभी ने, उसके बाद क्या है, त्योहार, त्योहार कहाँ पर आएगा, त्योहार एकवचन में आएगा, त्योहार। उसके बाद है मित्रों, मित्रों कहाँ पर आएगा, मित्र है क्या, मित्र अगर होता तो एकवचन में आता, मित्रों है तो ये बहुवचन है, हमें पता चल रहा है ना मित्रों से कि ये अनेक व्यक्ति हैं, तो ये कहाँ पर आएगा, बहुवचन में। दुखियों, अगर दुखी होता तो कहाँ पर आता, एकवचन, दुखियों यानी बहुत सारे, एक से अधिक है तो कहाँ पर आएगा, नीचे आएगा दुखियों, दुखी यू। ठीक है, उसके बाद है घर, घर कहाँ पर आएगा, एकवचन में घर। ठीक है, तो समझ में आ गया बच्चों, एकवचन बहुवचन, एकवचन में क्या आ गया, खुदा, पर्व, टोपी, चांद, बर्तन, त्योहार, घर। बहुवचन में क्या आ गया, महीने, मिठाइयाँ, झूले, मित्रों और दुखियों। ठीक है, नेक्स्ट पेज ओपन करो।
क्वेश्चन सेवन, क्वेश्चन सेवन देखो। निम्नलिखित वाक्यों में से क्रिया शब्द छांटकर लिखिए। हमने ग्रामर में ये पढ़ा था तो आपको आएगा अच्छे से। देखो क्या है यहाँ पर सेंटेंस, क समीर नमाज पढ़ रहा है। तो अभी इसमें से क्रिया कौन सी हो रही है, वो क्रिया शब्द हमें छांटकर लिखना है। हाँ तो क्या है, पढ़, पढ़ याने पढ़ना। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, पढ़, पढ़ याने पढ़ना। कौन सी क्रिया हो गई, समीर क्या कर रहा है, नमाज पढ़ रहा है। तो क्रिया कौन सी है, पढ़। तो उसका हम कैसे लिखेंगे, पढ़ना। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ख बच्चे ईद के मेले में जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्रिया कौन सी हो रही है, मेला लगा हुआ है और बच्चे जा रहे हैं, तो क्रिया क्या होगी, जा, जा याने जाना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, जा, और यहाँ पर जा, जाना। ठीक है, समझ में आ गया। देखो गो क्या है, रफीक मिठाई खा रहा है। रफीक क्या कर रहा है, मिठाई खा रहा है। तो कौन सी क्रिया हो रही है, यहाँ पर खाने की क्रिया हो रही है। तो यहाँ पर क्या आएगा आंसर, खा, और ब्रैकेट में क्या आएगा, खाना, खा याने खाना। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, देखो बच्चों, अनम खिलौने खरीद रही है। तो यहाँ पर देखो कौन सी क्रिया हो रही है, अमन क्या कर रही है, खिलौने खरीद रही है। तो खरीद ये क्रिया हो रही है, तो यहाँ पर खरीद आएगा और ब्रैकेट में क्या आएगा, खरीदना, खरीद, और ब्रैकेट में क्या आएगा, खरीदना। ठीक है, नेक्स्ट देखो, बच्चे मेले में सांप का नृत्य देख रहे हैं। तो देखो क्या कर रहे हैं, बच्चे मेले में गए हुए हैं और सांप का नृत्य देख रहे हैं। क्रिया कौन सी हो रही है, वो बच्चे कौन सी क्रिया कर रही है, नृत्य देख रहे हैं। तो देख, देख ये क्या होगा, आंसर आएगा, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे हम, देखना, क्या लिखेंगे, देखना। समझ में आ गया, क्रिया शब्द कैसे पहचानना है। और एक बार मैं दोहराऊंगी, समीर नमाज पढ़ रहा है, तो क्रिया कौन सी है, पढ़, पढ़ना। सेकंड क्या है, बच्चे ईद के मेले में जा रहे हैं, तो क्रिया कौन सी हो रही है, जाना। तो यहाँ पर जा ये आंसर आएगा और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे हम लोग, जाना। उसी प्रकार रफीक मिठाई खा रहा है, रफीक कौन सी क्रिया कर रहा है, मिठाई वो खा रहा है, खाना ये क्रिया हो रही है। तो वहां पर क्या आएगा, खाएगा, और ब्रैकेट में क्या आएगा, खाना। ठीक है, अनम खिलौने खरीद रहा है, कौन सी क्रिया हो रही है, खरीद, ब्रैकेट में क्या आएगा, खरीद, खरीदना। लास्ट वन, बच्चे मेले में सांप का नृत्य देख रहे हैं, तो क्रिया कौन सी हो रही है, देखना। तो यहाँ पर आंसर आएगा देख, और ब्रैकेट में आएगा देखना। ठीक है, लिखा सभी ने, क्रिया शब्द छांट कर किस तरह से लिखना है आपको समझ में आया होगा, आया ना बच्चों। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखो, एक निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द आपको यहाँ पर लिखना है, यानी समानार्थी शब्द लिखना है, सिमिलर वर्ड्स लिखना है। तो क क्या है, सूरज, सूरज को हम कैसे बोलेंगे, बताओ समानार्थी शब्द, सूर्य, सूर्य, रवि, क्या आएगा यहाँ पर, सूर्य, रवि। लिखा सभी ने, सूरज का समानार्थी शब्द क्या है, सूरज, सूर्य, रवि। उसके बाद दिन, दिन को हम क्या बोलेंगे, दिवस और वार, क्या बोलते हैं दिन को,
समानार्थी शब्द दिवस, और क्या बोलते हैं वार, अंग्रेजी में हम इसे क्या बोलेंगे डे, दिवस और वार। इसके बाद देखो आंख, आंख को क्या आएगा समानार्थी शब्द नेत्र और चक्षु, नेत्र और कौन सा आएगा नयन भी आ सकता है ना, नेत्र नयन चक्षु, ठीक है। नेक्स्ट देखो खुशी, खुशी को क्या आएगा हर्ष और प्रसन्नता, प्रसन्नता खुशी। प्रसन्नता और खुशी, प्रसन्नता और हर्ष, सॉरी क्या आएगा यहाँ पर प्रसन्नता और हर्ष। प्रसन्नता हर्ष, चांद, चांद को क्या आएगा मयंक और चंद्र, मयंक और चंद्र। ठीक है, उसके बाद क्या है शक्ति, शक्ति को क्या आएगा ताकत और बल, शक्ति ताकत बल। ठीक है, नेक्स्ट क्या है मित्र, मित्र को क्या आएगा दोस्त सखा, मित्र दोस्त सखा। संकट, संकट को क्या आएगा मुसीबत आफत, संकट मुसीबत आफत। समझ में आ गया बच्चों निम्नलिखित शब्दों के पर्यायी शब्द, सूरज सूर्य रवि, दिन दिवस वार, आंख नेत्र चक्षु, खुशी प्रसन्नता हर्ष, चांद मयंक चंद्र, शक्ति ताकत बल, मित्र दोस्त सखा, संकट मुसीबत आफत। तो इस तरह से ये पर्यायवाची शब्द लिखना है। इसके बाद लास्ट वन है रचनात्मक कार्य। तो देखो रचनात्मक कार्य में क्या है, बच्चों इस चित्र को देखकर आपको कुछ याद रहा होगा, याद आ रहा होगा यह किस पर्व का चित्र है, इस पर्व पर एक अनुच्छेद लिखिए। तो बच्चों आपने ये जो ईद है सबने मनाई होगी, तो ये चित्र से आपको समझ में आ रहा है, तो इसके ऊपर आपको क्या करना है एक अनुच्छेद यानी चार पांच लाइन आपको इसके ऊपर लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सभी धर्मों के पूजा स्थलों धार्मिक ग्रंथों के चित्र इकट्ठा करके एक चार्ट पेपर पर चिपकाइए। तो बच्चों आपके पास जो एक्टिविटी बुक है उस बुक में इस अलग अलग प्रकार के जो पूजा स्थल है धार्मिक ग्रंथ है इसके चित्र निकाल कर आप चिपकाओ। ठीक है, नेक्स्ट देखो
देखो यहाँ पर क्या है, लास्ट क्वेश्चन, त्योहारों का आनंद तो उस दिन विशेष रूप से बनाने वाले पकवानों से होता है। हमारे यहाँ प्रत्येक त्योहार पर कुछ खास व्यंजन बनाए जाते हैं। नीचे दिए गए व्यंजन के आधार पर त्योहार के नाम बताइए। देखो यहाँ पर उन्होंने ऑप्शन भी दिए हैं, क्रिसमस, लोहड़ी, ईद, होली, दिवाली, गणेश चतुर्थी। और यहाँ पर ये जो अलग अलग व्यंजन दिखाई दे रहे हैं आपको, तो उसके नीचे यहाँ पर ये लिखना है कि ये जो व्यंजन है ये कौन से ईद के लिए बनाया जाता है, ये कब बनाया जाता है, इस तरह से ये करना है। ये आपके लिए रचनात्मक कार्य, ये आपको खुद से करना है, मैं इसके आंसर नहीं बताऊंगी, ठीक है। तो बच्चों आज हमने ईद ये इस पाठ का स्वाध्याय सॉल्व किया। तो ये जो स्वाध्याय हमने सॉल्व किया है, इसमें के ग्रामर के जो क्वेश्चन है वो आपको एक बार पढ़ना है, ठीक है। और इस पाठ के जो क्वेश्चन आंसर है वो CW में जब आपको होमवर्क दिया जाता है तभी हिंदी CW में आपको लिखना है। इस पाठ से हमने क्या सीखा, इस पाठ से हमने सीखा कि राष्ट्रीय एकात्मता और हमें सभी को मिलजुल कर रहना है और त्योहार जो है मिलजुल कर ही मनाना है, राष्ट्रीय एकात्मता कायम रखना है। तो बच्चों मैं आशा करती हूँ आपको ईद ये पाठ पसंद आया होगा। ओके, धन्यवाद।